शुमाली वजीरिस्तान की तहसील शवाल में जोरदार धमाका, 11 मजदूर जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी हो गए, 3 अफराद ताहाल लापता हैं। जख्मी और लाशों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक गुलमीर कोर्ट के करीब सिविलियन गाड़ी को निशाना बनाया गया। गाड़ी में 16 मजदूर सवार थे। खैबरबाड़ा में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई, ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तहसील खैबरबाड़ा में खुफिया इतला पर ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेगा। इलाका मकीनों ने ऑपरेशन को सराहा। दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए भरपूर तआवुन का इजहार भी किया गया। सैफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी गिरफ्तार। चेयरमैन PTI अटक जेल में तोशाखाना केस में 3 साल की सजा भुगत रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी को इस्लामाबाद से गिरफ्तार करके FIA हेडक्वार्टर्स मुंतकिल कर दिया गया। सैफर एक रियासती राज अफशा करने और गलत इस्तेमाल करने मुल्की कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। सैफर के मंदरजात को गलत रंग देने, मुल्की सलामती इदारों के खिलाफ इस्तेमाल करने और आवाम को बहकाने के इल्ज़ाम पर FIA ने मुकदमा दर्ज किया था। ज़राए के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी पर 2 इंतहाई संगीन इल्ज़ाम हैं। सिफारतकारी के राज अफशा होने से खारजा उमूर को संगीन जख्म पहुँची, जबकि सैफर साजिश से मुल्क के आर्मी व स्ट्रेटजिक ताल्लुकात को दाव पर लगा दिया गया। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ वजारत दाखिला के अफसर यूसुफ नसीम खोखर की मुदैयत में मुकदमा दर्ज, FIR मिजाज हुकाम की मंजूरी के बाद दर्ज की गई। सैफर केस का मुकदमा FIA के काउंटर टेररिज्म विंग ने दर्ज किया। बनीगाला में खुफिया मीटिंग करके साजिश तैयार की गई। FIR का मतन कॉपी बोल न्यूज से हासिल कर ली। शाह महमूद कुरैशी को सैफर मामले पर में गिरफ्तार कर लिया गया। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं साबिक वजीर खारजा सैफर केस में नामजद थे, उनको FIA ने गिरफ्तार किया है। सैफर केस में नामजद तमाम अफराद को गिरफ्तार किया जाएगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 की भी मंजूरी दे दी गई। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद बिल कानून बन गया। आर्मी एक्ट 31 जुलाई को मुश्तरका इजलास में मंजूर हुआ था। बिल सदर को तौसीख के लिए 1 अगस्त को अरसाल किया गया था। गुज़िश्ता कौमी असम्बली ने मुदत ख़त्म होने से पहले ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की मंजूरी दी थी। नवाज शरीफ की वतन वापसी की मनसूबाबंदी, साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज लंदन रवानगी मुतवक्के। लीगी रहनुमा सैफुल मुल्क खोखर फैसल सैफ खोखर को भी लंदन तलब कर लिया गया। शहबाज शरीफ के दौरे के दौरान अहम सियासी रहनुमाओं समेत नवाज शरीफ से मुलाकात भी होगी। मुलाकात में नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख से मुतालिक मुशावरत और कानूनी पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए हलका बंदियों का काम तेज़ कर दिया। कमेटियों के लिए चारों सूबा इलेक्शन कमिश्नर से अफसरान की फहरिस्त तलब। हर सूबे के लिए अलग अलग हलका बंदी कमेटी बनाई जाएगी। मुतालिका सूबों के अफसरान को कमेटियों का हिस्सा बनाया जाएगा। कमेटियों का नोटिफिकेशन पीर को जारी किया जाएगा। कमेटियाँ 9 अक्टूबर तक इब्तदाई हलकों की फहरिस्त जारी करेंगी। इलेक्शन कमीशन एतराज़ात निपटाने के बाद हतमी हलका बंदियाँ 14 दिसंबर को जारी करेगा। आइंदा इलेक्शन में PTI का सफाया ना किया तो नाम बदल देना, मेरी वजह से तहरीक इंसाफ इख्तदार में आई। परवेज़ खटक का नौशेरा में पहले सियासी पावर शो से खिताब। वाइस चेयरमैन महमूद कुरैशी ने कहा अवाम ने साबित कर दिया कि नौशेरा PTI पार्लियामेंटेरियन का गढ़ है। सेक्रेटरी इतलात ज़ियाउल्लाह बंगश बोले आज से PTI पार्लियामेंटेरियन के रबते अवाम मुहिम का आगाज हो चुका। रानीपुर में कमसिन घरेलू मुलाजमा फातिमा की कब्र कुशाई के बाद पोस्टमार्टम मुकम्मल, तशद्दुद के निशान पाए गए। पोस्टमार्टम के लिए फातिमा की कब्र कुशाई हुई। पोस्टमार्टम के बाद दोबारा तकफीन कर दी गई। कब्र से निकाले जाने पर लाश बिल्कुल दुरुस्त हालत में थी। बेटी को देखकर बाप के जब्त के बंधन टूट गए। अहले इलाका गमजदा बाप को दिलासे देते रहे। अदालती हुक्म पर 5 रुकनी मेडिकल टीम ने कब्र कुशाई की। फॉरेंसिक के लिए ज़रूरी सैंपल हासिल कर लिए गए। इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटी तालबा के साथ 4 मुलजमान का इज्तिमाई ज़्यादती,
का इंकशाफ। थाना शहजाद टाउन पुलिस ने वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुतासरा लड़की के मुताबिक क्लास फेलो ने दोस्तों के हमरा इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया है। वीडियो बनाकर 6 माह तक ब्लैकमेल किया जाता रहा। ब्लैकमेल करके मुलजिमान तलाई जेवरात और कैश भी लेते रहे। साथ शहर से बाहर जाने से इनकार पर वीडियो वायरल कर दी। इस्लामाबाद पुलिस ने ज्यादती में मुलविस दो मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। आवाम पर एक बार फिर बिजली गिराने की तैयारी। अगले 4 माह में बिजली की यूनिट 4 रुपये 37 पैसे महंगी करने का मंसूबा। सार्फिन पर 122 अरब रुपये का इजाफी बोझ डाला जाएगा। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक सर्कुलर डेट में 392 अरब रुपये के इजाफे को बजट सब्सिडी के जरिए कम किया जाएगा। बिजली महंगी करने का मकसद गर्दिश कर्जे को उसकी मौजूदा 2.31 ट्रिलियन रुपये की सतह पर रखना है। नजरसानी शुदा सर्कुलर रेट मैनेजमेंट प्लान पावर डिवीजन ने IMF के साथ शेयर कर दिया। जनूबी एशिया में 5th जनरेशन फाइटर जेट की दौड़। पाक फिजाइया दुश्मन को एक बार फिर पीछे छोड़ने के लिए तैयार। 5th जनरेशन फाइटर जेट्स में पाक फिजाइया की भारत पर वासी बरतरी। पाक फिजाइया 2030 तक फाइटर जेट्स बेड़े में शामिल करने की जानिब गामजन। पाकिस्तान और तुर्की के 5th जनरेशन स्टील फाइटर जेट की तैयारी। भारतीय फिजाइया गलत फैसलों से टेक्नोलॉजी में 2 दहाइयां जाया कर चुकी। भारतीय साख्ता 5th जनरेशन तैयारी की शमूलियत 2035 से पहले मुमकिन नहीं। पायलट ऑफिसर राशिद मिनहास शहीद। निशान हैदर की 52वीं बरसी। मुसलह फौज और अस्करी क़्यादत का भरपूर खराज अकीदत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसलह फौज के सरबराहान का बरसी पर खसूसी पैगाम। कहना था राशिद मिनहास निशान हैदर हासिल करने वालों में सबसे कम उम्र अफसर थे। 20 अगस्त 1971 को गोश अहमद शाह सजावल में शहीद हुए। अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज़ के लिए कौमी टीम की तैयारियां। बाबर 11 का श्रीलंका हम्बनटोटा में प्रैक्टिस सेशन। 3 घंटे के सेशन में बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग की जमकर प्रैक्टिस की। कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की नैक में तवील बैटिंग। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान पहला वनडे मैच 22 अगस्त को खेला जाएगा। दूसरा वनडे 24, तीसरा मार्का 26 अगस्त को होगा। सहाफती उसूलों पर कारबंद। बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौमे आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौमे आजादी का जश्न। बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आजाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालों में आजादी का दिन जोश खरोश के साथ मना रहे। क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान, ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।